तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सेरेफिम गोकू वर्सेस डीमन एम्परर काइडा की फाइट को आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम लोग वापस प्लेनेट वैम्पा पर आते हैं और सेरेफिम गोकू को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार होता है और उसके सामने खड़ा है एम्परर काइडा। एम्परर काइडा भी फाइटिंग स्टांस लेकर खड़ा है और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे हैं। तभी सेरेफिम गोकू बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ काइडा, तुम जब चाहे शुरू कर सकते हो, मुझे जो जानना है मुझे बस वो बता दो और मैं तुम्हारे लिए इसे दर्दनाक नहीं बनाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर दर्द झेलने की ज़रूरत नहीं है। डीमन एम्परर काइडा बोलता है कि चाहे तुम जो मर्जी बोलते रहो मांस के लोथड़े, यहाँ पर बस एक शख्स है जिसे दर्द झेलने की ज़रूरत पड़ेगी और वो हो तुम। काइडा खुद को सही साबित करने के लिए एकदम से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है। काइडा सेरेफिम गोकू तक पहुँच के उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। गोकू को अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं जो कि बिल्कुल काम होता है। गोकू बहुत ही शांत आवाज़ में बोलता है, तुमने इतना पावर अप किया और तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया है, तुम पहले जितने ही कमज़ोर हो। सही कहा ना काइडा। गोकू की ये बात सुनते ही काइडा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू को किक मारने की कोशिश करता है। काइडा चिल्लाता है कि अपनी बकवास बंद करो, पर गोकू इस अटैक से खुद को बहुत ही आराम से बचा लेता है, वो भी हल्की सी जंप मारकर। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है कि मेरी बारी। एकदम से ही गोकू काइडा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि काइडा खुद को बचा नहीं पाता। वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है क्योंकि आर्मर की वजह से उसकी बॉडी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। जैसे ही काइडा ज़मीन पर जाके गिरने वाला होता है, हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही उसका पीछा करने लग जाता है। गोकू बोलता है कि तुमने इस प्लैनेट को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है, रुको मैं तुम्हारे टकराने के इम्पैक्ट को हल्का सा कम करता हूँ। गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो धीरे धीरे करके काइडा के नज़दीक जाने लग जाता है। गोकू आखिरकार काइडा के आगे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो काइडा के टकराने के इम्पैक्ट को हल्का सा कम करता है, पर ये इम्पैक्ट कम करने के लिए गोकू बहुत ही ज़बरदस्त की काइडा के पेट में मारता है। काइडा दर्द से कराहने लग जाता है। गोकू बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया, मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द झेलने की ज़रूरत नहीं है। काइडा दर्द से कराहते हुए बोलता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। गोकू एक बार फिर से काइडा के आगे पहुँचता है और एकदम से अपनी कोहनी को ऊपर की तरफ उड़ाता है। गोकू एकदम से अपनी कोहनी को पीछे की तरफ मारता है और उसकी कोहनी सीधा काइडा को लगती है। काइडा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे जाके गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही ज़मीन से जाके टकराता है और काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोकू जिसके पास ग्रैंड प्रिश की नॉलेज है, वो शांति से नीचे की तरफ देखता है। गोकू बोलता है, मुझे सच में खुश होना चाहिए बाकी सभी के लिए कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था। हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर काइडा जाके टकराया होता है और वो मलबे के नीचे दफन हो चुका होता है। कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर शांति रहती है, पर हम देखते हैं कि एकदम से ही काइडा का हाथ मलबे से बाहर आता है। तभी एकदम से काइडा सारे मलबे को पुश करता है और एकदम से ही चिल्लाते हुए बाहर आता है। काइडा चिल्लाते हुए गोकू की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लूसिफ चाहे तो मुझे बाद में ब्लेम कर सकता है, पर तुम्हारी सोल को हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तुम यहीं पर अभी के अभी इरेज किए जाने वाले हो। काइडा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और किसी वजह से डिस्ट्रॉयर्स की इरेज कर देने वाली टेक्निक को मेंशन करता है। गोकू भी काइडा को ये मेंशन करते हुए देख के हल्का सा हैरान होता है और इसके बाद वो ज़मीन पर शांति से लैंड करता है। गोकू बोलता है, इरेज, मुझे नहीं पता था कि डीमंस के पास भी हकाइक की पावर्स होती हैं, आगे बढ़ो मुझे दिखाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। एकदम से डीमन एम्परर काइडा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम हकाइक की बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कि हकाइक लोअर गॉड्स की कोई टेक्निक ना हो, तुम्हें सच में अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम किन डीमंस का सामना कर रहे हो। इंतज़ार करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो आखिरी चीज़ जो कि तुम देखने वाले हो। डीमन काइडा एकदम से अपने हाथ को अपने चेहरे के आगे लाता है। काइडा एकदम से चिल्लाता है, डीमंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कि गोकू के सामने अचानक से ही 6 एंटिटीज आ जाती हैं और गोकू हल्का सा हैरान भी होता है, और ये सब कुछ हो रहा होता है काइडा की टेक्निक की वजह से। काइडा एकदम से हंसता है और हम उसके सामने देखते हैं 6 डीमंस को जो कि डीमंस की तरह लग रहे होते हैं। वो बोलता है कि आ जाओ खोई हुई आत्माओं, ये तुम्हें आखिरी बारी बुलाया जा रहा है। काइडा इसके बाद गोकू से बोलता है कि तुमने जो बोला था वही करना और अपनी जगह पर खड़े रहना,
इन्हें बस तुम्हें एक बार ही छूना है और तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे मास के लोथड़े। पर गोकू हल्का सा भी घबराता नहीं है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल है। वो बोलता है कि ये तो वेजिटो के किसी मूव की तरह लग रहा है। गोकू वेजिटो की घोस्ट रेपरेशन वाले टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। गोकू बोलता है, चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। डीमन इसके बाद चिल्लाता है, जाओ और इस मास के लोथड़े को खत्म कर दो। और बिल्कुल पपेट्स की तरह हम देखते हैं कि डीमंस एकदम से ही गोकू पे अटैक कर देते हैं और गोकू तक पहुंचने वाले होते हैं। और गोकू ने जैसा वादा किया था वो बस अपनी जगह पे खड़ा रहता है। गोकू अपनी जगह पे भले ही खड़े रहे पर इसके बाद वो हिलना शुरू करता है। गोकू इसके बाद अपने हाथों को अपने चेहरे के नज़दीक ले जाता है और हम जानते हैं कि गोकू अब क्या करने वाला है। एकदम से ही गोकू चिल्लाता है, सोलर स्माइट। गोकू ने अपने सोलर फ्लेयर टेक्निक को अपनी स्माइट टेक्निक के साथ मिला दिया। सारे डीमंस एक साथ इस अटैक की चपेट में आ जाते हैं और वहीं के वहीं जल जाते हैं। गोकू के साथ कुछ भी कर पाने से पहले हम देखते हैं कि सारे डीमंस जल जाते हैं और दर्द से कर्राते हुए खत्म हो जाते हैं। डीमन एम्परर काइडो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहा है। वो घबराते हुए बोलता है कि क्या स्माइट? नहीं, ये कोई मॉर्टल नहीं है, ये एक एंजल है। ये मुझे वहां नीचे कभी भी भेज सकता था अपनी मर्जी के हिसाब से। काइडो एकदम से ही घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है और एकदम से डरपोक की तरह वहां से भागने लग जाता है। इसके बाद हम काइडा के चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे पे डर साफ होता है। काइडा अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और भागते हुए वो बस एक ही बात को बार बार ही बोल रहा होता है, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। काइडा आखिरकार इतनी स्पीड में उड़ने लग जाता है कि वो आखिरकार प्लैनेट वैम्पा से भी बाहर निकल जाता है। स्पेस के वैक्यूम में भी उसके चेहरे पर डर साफ होता है और वो बोलता है कि मुझे वापस आने के लिए एक पोर्टल चाहिए। लूसिफ, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। पर नए ओमनीकिंग यानी कि लूसिफ के सामने उसके रिक्वेस्ट सात देर तक काम नहीं करती, क्योंकि काइडा जिससे डर के भाग रहा था वो एक बारी फिर से उसके सामने है। काइडा बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, कैसे? डीमन एम्परर काइडा चाहे जितनी मर्जी दूर भाग ले पर अब वो सेरेफिम एंजल गोकू से खुद को नहीं बचा पाएगा। गोकू अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है, इतनी जल्दी जा रहे हो, चाहे तो तुम मुझे पागल कह सकते हो पर मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो। गोकू एकदम से ही बहुत तेजी से मूव करता है और अपनी जगह पर रोटेट करता है। गोकू के सी फुटबॉल की तरह एम्परर काइडा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू का ये अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि काइडा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो देता है। ये सब कुछ स्पेस में हो रहा था, इसी वजह से प्लैनेट पर कुछ देरी के लिए शांति छा जाती है। चिलाई और लीमो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि फाइट का क्या रिजल्ट रहा। चिलाई बोलती है कि क्या ये आखिरकार ख़त्म हो गया? आखिर कैकारोट के साथ क्या हुआ? लीमो बोलता है, मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है कि हम अब सेफ हैं। तभी एकदम से चिलाई और लीमो दोनों हैरान होते हैं और आसमान में देखते हैं कि एकदम से ही उनकी तरफ कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों एक साथ बोलते हैं कि आखिर वो क्या है। प्लैनेट पर आखिरकार एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि चिराई और लीमो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चिराई और लीमो एकदम से ही डर के मारे चिल्लाते हैं और दोनों एक बार फिर से पहाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। हम इसके बाद काइडा के चेहरे को देखते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। वो बोलता है, विश्वास नहीं होता। काइडा बोलता है, मैं हार गया, वो भी एक मास के लोथड़े के सामने, नहीं एक एंजल से। लूसिफ, क्या तुम्हें इस बारे में पता था जब तुमने मुझे यहाँ भेजा? तभी हम देखते हैं कि काइडा के बराबर में कोई बहुत ज़्यादा फैमिलियर लैंड करता है। ऑब्वियसली ये होता है गोकू और वो बोलता है, काइडा अब समय आ गया है, तुम्हें जितना दर्द झेलने की ज़रूरत थी तुम उससे ज़्यादा झेल चुके हो, पर यहाँ से आगे सिर्फ तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। मुझे सब कुछ बताओ, आखिर लूसिफ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर उसे ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? काइडा एकदम से हंसता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम जीत गए। हो सकता है मैं एक डीमन हूँ पर मैं कोई झूठा नहीं हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ सच में जवाब ही चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास सच में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा सकूँ, तो बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखा दूँ। काइडा एकदम से ही शांत हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी उंगलियों की टिप्स पे एकदम से ही वाइट रंग की एनर्जी आ जाती है। गोकू हल्का सा हैरान होता है पर ध्यान से वो ये सब कुछ देख रहा होता है। ये एनर्जी बोल एकदम से ही गोकू के चेहरे की तरफ बढ़ रही होती है और गोकू हैरानी से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो काइडा? ये एनर्जी बिल्कुल गोकू के चेहरे के नज़दीक होती है। गोकू बोलता है, तुम कभी नहीं सीखने वाले, सही कहा ना? काइडा एक बार फिर से हंसता है और बोलता है कि शांत हो जाओ मास के लोथड़े, ये सिर्फ मेरी मेमोरीज हैं, उनके मज़े लो, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी वजह से तुम कहीं खौफ में मत चले जाना। काइडा आखिरकार अपनी आखिरी सांस लेता है और गोकू काइडा पर विश्वास करने का फैसला करता है।
यह एनर्जी बॉल सीधा गोकू के दिमाग में जाके लगती है। ऐसा होते ही गोकू एकदम से घबराता है और बोलता है, लूसिफ नहीं, तुम ये आखिर क्या कर रहे हो। आखिरकार गोकू के सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुके हैं और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद गोकू के चेहरे पे सिर्फ खौफ रह जाता है। गोकू जो कि हमेशा बिल्कुल शांत रहता है, गोकू का शरीर खौफ की वजह से बिल्कुल जम जाता है और उसके शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। पर हम सभी के लिए अभी भी यही सवाल है कि आखिर गोकू ने क्या देखा। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है जिसकी वजह से गोकू इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।